मैडम ने जब देखा कि उसकी कॉपी जमा है तो मैडम ने आव देखा ना ताव देखा, मैडम ने पांच चाटे उसको रसीद कर दिए, चार पांच चाटे। उसके बाद उस बच्चे को दो घंटे के लिए क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। उसके बाद वो बच्चा जब घर आया तो उसको फीवर हो गया, लेकिन उसने माँ बाप को नहीं बताया। तब जाकर मेरा जो एक दूसरा बेटा सेवन्थ क्लास में पढ़ता है स्कूल में, उसने आके घर बताया, एट्थ क्लास में पढ़ता है वो, उसने आके बताया कि भाई तू वहाँ लॉबी में क्यों खड़ा था। तब उस बच्चे ने बताया कि मुझे मैडम ने मारा और मुझे बाहर खड़ा कर दिया। और तब जब हमने जाके शिकायत करी तो स्कूल वाले कहते हैं हमारे स्कूल में ऐसा होता ही नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ें स्कूल वाले कर रहे हैं उनको मानने को तैयार नहीं है। जब स्कूल वालों ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया, 100 नंबर वाली गाड़ी आई, फिर वो 100 नंबर वाली गाड़ी कुछ नहीं कर पाई। यहाँ से फिर SHO ने एक टीम भेजी, उस टीम ने जाके स्कूल प्रशासन से पूछा तो उन्होंने स्कूल प्रशासन से यही कहा कि 3 महीने से ये अभिभावक आपके सामने आ रहे हैं, आप इनकी प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं करते हो, इसका मतलब कमी आपके अंदर है। फिर हमने लिखित में थाने में FIR दर्ज करने के लिए, नामजद FIR दर्ज करने के लिए टीचर का दी, FIR दर्ज हुई और FIR ये दी है हमने। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो कहता है कि अगर चाटा लगा है सर में तो उसका मेडिकल कराओ, उसमें चाटा आना चाहिए, तब हम FIR दर्ज करेंगे। और यहाँ के जो प्रभारी हैं रामेश्वर दयाल जी, जो दूसरे ऑफिशियल हैं जो पहले से इस मामले में इन्वॉल्व हैं, उनको भी बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, जो रामेश्वर दयाल जी हैं वो SPCT से बात कर चुके हैं, जो रामेश्वर दयाल जी हैं वो SSP से बात कर चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी ना तो मिलने का टाइम दे रहा है, ना हमारी बात को सुन रहा है, FIR दर्ज नहीं हो रही है। आज सारे अभिभावक इस सुबह में जी रहे हैं कि कल उनके बच्चे के साथ क्या हालात होंगे। हमारे देश में आज हजारों बच्चों के साथ उनका हत्या कर दी गई, उनके साथ मानसिक प्रताड़ना की गई, उनको सेफ्टी टैंक में दबा दिया गया, उनकी लाशें मिली। लेकिन हमारा प्रशासन तब जागता है जब लोग रोड जाम करते हैं, जब लोग बसों में आग लगाते हैं, जब बस लोग ट्रेनें रोकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक वो काम नहीं किया, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही। कल थाने पर मुनेंद्र बस जी हैं, इन्होंने एक तहरीर दी थी कि इनके बच्चे के साथ स्कूल में मिसबिहेव किया गया, उसके लिए दरोगा जी जांच पे गए थे। आज चूंकि कल वो बिजी रहे तो जांच जब करके आ जाए, अभी बात आप थोड़ी देर पहले हुई है, तो उन्होंने बताया ये बात सही है कि बच्चे के थप्पड़ मारा गया। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने स्कूल के टीचर के खिलाफ कार्रवाई कर दी, उसे सस्पेंड कर दिया और लीगली जो कार्रवाई होगी वो हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, जो तहरीर में आती है जो लीगल कार्रवाई वो की जाएगी, जो धारा बनेगी उस तहरीर में मुकदमा जो भी अभियोग होगा। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।